भोपाल से खबर है जहां स्कूलों में धमकी भरे मेल भेजने के मामले में तमिलनाडु से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु से धमकी भरा ईमेल भेजा गया था आरोपी से, बेंगलुरु पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस आरोपी को रिमांड पर भोपाल लेकर आएगी। 13 मई से को 11 स्कूलों में धमकी भरा मेल भेजा था आरोपी ने। 8 अप्रैल को बेंगलुरु के स्कूलों में ये मेल भेजा गया था। तो स्कूलों में धमकी भरा मेल भेजने के मामले में आरोपी तमिलनाडु से गिरफ्तार। बेंगलुरु पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु से धमकी भरे ईमेल भेजे थे, बेंगलुरु पुलिस अब पूछताछ कर रही है। संवाददाता रिजवान फोन लाइन पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। रिजवान, स्कूलों में धमकी भरे मेल भेजने के मामले में आरोपी गिरफ्तार हो गया, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, साफ तौर से जो 8 स्कूलों को जो है मैसेज भेजा गया था ईमेल के जरिए, क्या जो बम तोड़ाने की जो धमकी दी गई थी वो बेंगलुरु जो पुलिस है उसने गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु से भेजा गया था ये जो मैसेज है। साफ तौर से पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। पुलिस का ये कहना है पहले बेंगलुरु पुलिस जो है रिमांड पर लेगी, उसके बाद जो है भोपाल पुलिस को इन आरोपियों को हवाले किया जाएगा, क्योंकि हैकर एक है ये लोग, इस तरह पहले भी ये वारदात को अंजाम दे चुके हैं। बेंगलुरु से इनको तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया, आज मामले की जाँच की जाएगी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। रिजवान जुड़े हुए थे। स्कूल में धमकी भरे मेल भेजने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बेंगलुरु से आरोपी गिरफ्तार, तमिलनाडु से धमकी भरा मेल भेजा था भोपाल, पुलिस रिमांड पर आरोपी को लेकर आएगी।